एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक किसान बहुत परेशान और उदास बैठा है। बुद्ध उसके पास गए और उससे पूछा, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? किसान ने कहा, मैं अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है, मेरे परिवार में झगड़े होते रहते हैं और मेरे पास पर्याप्त धन भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या करूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं। तुम्हारे पास 83 समस्याएं हैं और चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, तुम हमेशा 83 समस्याओं का सामना करोगे। किसान ने हैरानी से पूछा, तो क्या कोई रास्ता नहीं है कि मैं इन समस्याओं से छुटकारा पा सकूं? बुद्ध ने जवाब दिया, समस्याओं से पूरी तरह छुटकारा पाना संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास एक 84वीं समस्या भी है, और अगर तुम इस 84वीं समस्या को हल कर लोगे तो बाकी समस्याओं का प्रभाव कम हो जाएगा। किसान ने पूछा, वह 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारी 84वीं समस्या यह है कि तुम चाहो कि कोई समस्या न हो। जब तुम इस चाहत को छोड़ दोगे और जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। इस कहानी का सार यह है कि समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करके जीवन की सच्चाई को समझना चाहिए। समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण उन्हें हल्का बना सकते हैं।